राइज एंड शाइन क्लास 9th के बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपकी एस चांद केमिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको पेज नंबर 173 एंड 174 पे अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 36 से 42 तक सॉल्व। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। बच्चों, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमको मोल कंसेप्ट आना चाहिए, मोल निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको मोल निकालने का फॉर्मूला एक बार बता देती हूँ, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा आगे के लिए। अगर आपको मोल निकालना है, जो कि मैटर की यूनिट होती है, तो यहाँ पे मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन वेट ऑफ द एलिमेंट और एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। अगर आपको कंपाउंड दे रखा है तो आपको उसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, कंपाउंड का गिवन वेट दे रखा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट द मोल रेशियो 1:1। अब यहाँ पर ए बी सी डी में आपको पेयर दे रखे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम का गिवन वेट दे रखा है, ठीक है, और मैग्नीशियम कार्बन का दे रखा है, कार्बन कैल्शियम का दे रखा है, सोडियम और कैल्शियम का दे रखा है। तो यहाँ पे मोल रेशियो बताना है, तो रेशियो निकालने के लिए आपको मोल्स पता होने चाहिए जो कि नहीं दे रखे, तो एक एक करके हम मोल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो यहाँ पर जो गिवन वेट है, अगर मोल्स ऑफ कैल्शियम यहाँ पर निकालें, मोल्स ऑफ कैल्शियम अगर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, तो यहाँ पर जो गिवन वेट दे रखा है वो 10 ग्राम दे रखा है, और कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो लर्न होना चाहिए आप लोगों को, वो होता है 40। तो यहाँ से 1/4 जाता है। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के मोल निकालेंगे, 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के मोल निकालेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के मोल निकाल रहे हैं, तो गिवन वेट जो दे रखा है मैग्नीशियम का वो 12 दे रखा है, और एटॉमिक मास जो होता है वो 24 होता है। तो यहाँ से आ गया 1/2, कितना आ रहा है यहाँ से 1/2। तो अब अगर हम मोल्स ऑफ कैल्शियम का रेशियो निकाले मोल्स ऑफ मैग्नीशियम से ए के केस में, तो वो आएगा 1/4 / 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4 × 2/1, तो ये आ जाएगा 1:2। तो 1:1 तो नहीं आ रहा, लेकिन इसके केस में आ रहा है 1:2, तो जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा आपका। चलिए अब इसमें हम बी पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है, तो हम ऑलरेडी 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के मोल निकाल चुके हैं, तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम यहाँ पर, क्योंकि गिवन वेट 12 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 ही होने वाला है, तो 1/2 हो गया आपके इसके मोल्स। अब हम 6 ग्राम ऑफ कार्बन के निकाल लेते हैं, तो मोल्स ऑफ कार्बन, अब गिवन वेट कार्बन का 6 ग्राम दे रखा है, और कार्बन का जो मोलर मास होता है या एटॉमिक मास जो है वो 12 है, तो ये आगे 1/2। अब यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ कार्बन, यही तो रेशियो होगा, तो 1/2 / 1/2, तो ये पूरा कट गया, तो ये आएगा 1:1। तो 1:1 बी के केस में आ रहा है, तो बी आपका सही आंसर होगा। इस तरह से आप सी और डी निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है, लेकिन यहाँ पे बी ऑलरेडी आ रहा है, तो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो अगर आपको एस चांद और एनसीईआरटी की बुक चाहिए घर पे बैठे बैठे, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी की, तो आप इसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, घर बैठे बैठे अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पर आप लोग अपने लिए मंगा सकते हैं एनसीईआरटी एस चांद की बुक। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम वाटर, आपको 1, 2, 3, 4 दे रखा है, तो यहाँ पे बताना है कि 360 ग्राम ऑफ वाटर को कौन करेक्टली रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कि मोल्स में दे रखा है और मॉलिक्यूल और एटम्स में दे रखा है, मॉलिक्यूल्स में, तो पहले तो मोल निकाल लेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया मोल निकालने का फॉर्मूला, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोल मास इन केस ऑफ कंपाउंड। तो 360 ग्राम हमको गिवन वेट यहाँ दे रखा है, और वाटर का अगर मैं मोलर मास निकालती हूँ तो 1 एटॉमिक मास होता है एच का, 2 एटम है, प्लस 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, तो ये आ गया 18। तो अब मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे, तो यहाँ पर आएगा मोल्स ऑफ वाटर, गिवन वेट है 360,
मोलर मास है 18, तो 18 टू जो 36 और 20 मोल्स आ गया। तो 20 मोल्स ऑफ वाटर, तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है ये ठीक है, सॉरी ये तो 2 मोल्स है, ये नहीं, सेकंड वाला 20 मोल्स ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स के बारे में भी बात करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो देखिए 1 मोल्स में, किसी के भी 1 मोल्स में, चाहे वो एलिमेंट हो कंपाउंड हो, उसमें नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स आयंस कितने होते हैं, 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 1 मोल्स में, 1 मोल ऑफ वाटर में कितने होंगे, 6.022, इसको अवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स। तो 20 मोल्स में कितने होंगे, क्योंकि देखिए 20 मोल्स ऑफ वाटर हमने निकाला है, तो ये हो जाएंगे 6.022 × 20 × 10²³, ठीक है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 12.044, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 10 2 से मल्टीप्लाई करा है, 10 कॉमन ले लिया तो 10²24 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट दे रखा है, तो आप कहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर प्लस में एक और 10 आ जाएगा, तो 10²25 हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ वाला भी ठीक है। तो हमने पहले मोल्स निकाल लेने हैं, मोल्स जब निकल आएंगे तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो अवोगाड्रो नंबर का, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड एंड फोर्थ ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होने वाला है। इसके लिए आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, मोल्स निकालना आना चाहिए स्पेसिफिकली, और उसके नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अगर मोल्स आ गए तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स में। अब बोल रखा है 32 ग्राम ऑफ सल्फर हैज एक्स एटम, ये बोल रहे हैं 30 ग्राम ऑफ सल्फर में एक्स एटम है, ठीक है। और साथ में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पूछे हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन देखिए सल्फर हमें एस के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे ऑक्सीजन बोला गया है, तो ऑक्सीजन एटमोसफेयर में O2 के फॉर्म में मिलता है, तो हमें यहाँ पे O2 लिखना है। तो यहाँ पे बोला 32 ग्राम ऑफ सल्फर में एक्स एटम है, तो सल्फर का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 32, ठीक है। तो 32 का मतलब हो गया कि ये बात कर रहे हैं यहाँ पे मोल निकाल लेंगे सल्फर के, तो मोल्स ऑफ एटम, सॉरी मोल्स ऑफ सल्फर, तो गिवन बाय 32 है, एटॉमिक मास 32 होता है, तो इसमें 1 मोल निकल आएगा। तो इसका मतलब हो गया 1 मोल में एक्स एटम है, तो 1 मोल ऑफ सल्फर में आपके एक्स एटम है, ठीक है। तो इसी तरह से हम ऑक्सीजन के मोल निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, है ना, तो उसके जो एटम्स में अंदर जो एक मोल के अंदर सबके पास सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं, जैसे कि अभी हमने सीखा 1 मोल इक्वल टू 6.022 × 10²23, हर किसी के 1 मोल में सेम होते। तो अगर आप ऑक्सीजन का 1 मोल निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने एटम है, तो ऑक्सीजन के 1 मोल में भी एक्स एटम होंगे, तो यहाँ पे मोल निकाल लेंगे कि ऑक्सीजन के पास कितने मोल है। तो ऑक्सीजन का गिवन वेट आपको 32 दे रखा है, और जो एटॉमिक वेट होता है 16 होता है, तो कितना हो जाएगा 2 मोल। तो ऑक्सीजन के पास 2 मोल है, 1 मोल में एक्स एटम है, तो 2 मोल में कितने एटम होंगे, 2 × x एटम, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। स्टूडेंट वॉन्ट्स टू हैव 3.011 × 10²23 एटम्स ईच ऑफ मैग्नीशियम एंड कार्बन। एक स्टूडेंट को मैग्नीशियम के भी इतने एटम चाहिए और कार्बन के भी इतने एटम चाहिए। फॉर दिस पर्पस ही विल हैव टू वे, तो उसको कितना वे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अलग अलग आपको गिवन वेट दे रखे मैग्नीशियम और कार्बन के, तो जानना है। लेकिन हम लोग जैसे जानते हैं कि जो अवोगाड्रो नंबर होता है 1 मोल के अंदर, वो होता है 6.022 × 10²23 एटम्स, कि कोई भी हो, चाहे वो आपका एलिमेंट हो कंपाउंड हो, सबके 1 मोल के अंदर इतने एटम होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते 3.011, तो वो जस्ट हाफ है इसका, क्योंकि तो जब इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, है ना, तो जस्ट हाफ हो जाएगा। तो 1 मोल में इतने हैं, तो हाफ मोल में कितने होंगे, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के हाफ मोल में कितने होंगे, 3.011 × 10²23, है ना। तो जो आपका गिवन वेट दे रखा होता है, एटॉमिक मास दे रखा होता है एलिमेंट्स का, वो उसमें वही आपका 1 मोल भी होता है। तो मैग्नीशियम का, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, तो उसके जो 1 मोल है उसमें
एटम होंगे? 6.022 × 10²³। अब 1 मोल कब आएगा मैग्नीशियम का? जब उसका गिवन वेट जो है, मतलब जो गिवन वेट डब्ल्यू है और जो इसका एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास वो जब बराबर होगा तब 1 मोल आएगा, है ना। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है 24 होता है, और तो गिवन वेट भी 24 देना चाहिए तब 1 मोल आएगा। लेकिन जस्ट इसका हाफ किस केस में आएगा? जब इसका गिवन वेट 12 होगा तो 112 आ जाएगा मोल, तो गिवन वेट मैग्नीशियम का 12 आना चाहिए। इसी तरह से कार्बन के भी आपको हाफ मोल चाहिए, तो कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है, तो गिवन मास कितना होना चाहिए? जस्ट इसका आधा होना चाहिए, 6 ग्राम होना चाहिए, तभी तो हाफ मोल आएंगे। तो यहाँ पे 6 ग्राम ऑफ कार्बन आएगा, तो डी ऑप्शन आपका ठीक है। इसके अलावा आप कैसे निकाल सकते हैं? पहले आप मोल निकाल लीजिए गिवन वेट के अकॉर्डिंग, जब आपके मोल आ जाएंगे तो फिर आप उसमें अवोगाड्रो नंबर का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डी ऑप्शन ठीक है, तो निकाल के देख ही लिया था हमने, ये शॉर्ट तरीका है। तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मोल्स निकालना चाहिए आना चाहिए, नंबर ऑफ एटम निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो मोल्स का रेशियो दे रखा है, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम दे रखे हैं और मोल्स ऑफ सल्फर पूछा गया है, पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए मोल्स निकालने का तरीका क्या, गिवन वेट मैग्नीशियम का 12 दे रखा है, एटॉमिक वेट इसका 24 होता है, इसी तरह से सल्फर का 16 दे रखा है, एटॉमिक वेट 32 होता है। इसको सॉल्व करेंगे 1:2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1:2 आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1:1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका ठीक होने वाला है कि 40 के केस में जो दे रखा है मोल्स ऑफ मैग्नीशियम और मोल्स ऑफ सल्फर रेशियो 1:1 आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज एक्स एटम। तो यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम है, एक्स एटम्स, तो इसका मोल निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने मोल में कितने एटम है। तो कार्बन का मोल निकाल लेते हैं, कार्बन मोल्स, मोल्स ऑफ कार्बन, तो 12 ग्राम गिवन वेट है और 12 ही इसका एटॉमिक वेट भी होता है, तो ये आ जाए 1 मोल। तो 12 ग्राम में एक्स एटम थे, तो हमने 12 ग्राम से इसके मोल निकाले, तो 1 मोल में भी एक्स एटम है। तो कोई भी आपका एटम है, कोई भी आपका एलिमेंट है, सबके मोल में सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब पूछा है देन दी नंबर ऑफ एटम, अब नंबर ऑफ एटम पूछे हैं 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में, तो हम मोल निकाल लेंगे, जितने मोल आएंगे उसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हो सबके अंदर 1 मोल के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम ही होते हैं। तो अब हम निकाल लेंगे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, तो 12 ग्राम हमें गिवन वेट है और एटॉमिक वेट जो होता है मैग्नीशियम का 24 होता है, तो ये हाफ मोल आ गया। तो यहाँ पर कितने एटम आ जाएंगे आपके, एटम को मल्टीप्लाई कर दिया मोल्स के अंदर, तो एक्स बाय 2 एटम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका ठीक होने वाला है। चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के, कम्प्लीटली न्यूमेरिकल वेज से अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे? देखिए जिसमें सबसे ज्यादा मोल्स होंगे उसी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं हम नंबर ऑफ एटम्स के लिए 6.022 × 10²³ का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम सबके मोल निकाल लेते हैं, तो मोल से हम अगर वाटर के निकालेंगे तो वाटर का मॉलिकुलर मास 18 आता है, ऊपर निकाल के दिखाया था, 18 / 18 1 मोल आ रहा है। फिर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देखिए, अगर हम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो 18 गिवन वेट है, 16 एक ऑक्सीजन का होता है, 2 के 32 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 0.56, जो 1 मोल से कम है, तो बी तो नहीं होने वाला। इसके बाद आपका सी के लिए 18 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालिए आप, तो यह 12 + 2 × 16 तो 44 आएगा, तो मोल्स आ जाएंगे इसके 18 / 44, तो ये भी आपका 0.40 आएगा, तो ये 1 से कम है तो ये तो नहीं है। अब ये देखते हैं 18 ऑक्टेन के लिए निकालेंगे तो 12 + 4 × 1, क्योंकि 1 इसका एटॉमिक मास होता है, 4 इसमें नंबर ऑफ एटम है 16, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1.125, तो 1 मोल से ज्यादा है। तो अब हमें अवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे
नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे, लेकिन ये पूछा किसमें सबसे ज्यादा होंगे, तो जिसमें सबसे ज्यादा मोल होंगे तो डी आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बच्चों वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। बाय बाय एवरीवन।